नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है सूर्यांश वत्स और यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रियलमी एक्स। अब रियलमी एक्स मार्केट में एकदम नया आया है, तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। आप देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन को लिया है ऑफलाइन मार्केट से, और इसलिए उन्होंने इस फ़ोन के बॉक्स के ऊपर कुछ कुछ लिख रखा है। चलिए इस सील को हटाते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है। फिलहाल बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है रियलमी एक्स पॉपअप जनरेशन, और कुछ यहाँ पर बॉक्स पे खास है नहीं। चलिए इस सील को मैंने ब्रेक कर लिया, हालांकि ब्रेक करते हुए थोड़ा सा बॉक्स को नुकसान पहुँचा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। पीछे एक और सील लगी है, इसको आप हाथ से हटाना चाहेंगे तो ये नहीं हट सकती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो इसको आपको इसी तरह से हटाना पड़ेगा। चलिए इस सील को भी हम ओपन कर लेते हैं, और साइड में लिखा हुआ है रियलमी एक्स, तो चलिए बॉक्स को यहाँ पर खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट्स। तो बॉक्स यहाँ पर हमने खोल लिया है, और सबसे पहली चीज़ जो हमको मिलती है वो यहाँ पर जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब हर फ़ोन की स्टाइलिंग कुछ इस तरीके की हो गई कि ऊपर वो लोग डॉक्यूमेंट्स ही रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम और भी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिम इजेक्शन टूल, इसके साथ साथ आपको मिल जाता है आपका क्विक स्टार्ट गाइड, और ये क्विक स्टार्ट गाइड नहीं है, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। इसके पीछे आपको मिल जाता है क्विक स्टार्ट गाइड, देखिए वो रखा हुआ है। तो इतना कुछ आपको मिलता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये कवर, कवर के ऊपर एक सील लगी हुई है। चलिए इस प्लास्टिक सील को भी यहाँ पर हटाते हैं, काफ़ी टाइट इसको भी यहाँ पर लगाया गया है। चलिए हमने सील को हटा लिया, आप देख सकते हैं कवर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है, और ये कोई सिलिकॉन का कवर नहीं है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक का कवर आप इसे कह सकते हैं, तो उस तरीके से बनाया गया है। कम्प्लीटली हार्ड केस भी नहीं है और सिलिकॉन भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो मिलती है बॉक्स के अंदर वो मिल जाता है आपको आपका फ़ोन। फिलहाल हम इस फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और देखेंगे क्या कुछ मिलता है। तो अगली चीज़ हमको मिल जाती है हमारी पावर ब्रिक, इसके ऊपर लिखा हुआ है वूप, क्योंकि ये फ़ोन सपोर्ट करता है वूप चार्जिंग को। ये सेम चार्जर है जो कि आपको ओप्पो के डिवाइसेस में भी मिलता है, इसके ऊपर रियलमी की ब्रांडिंग लिख दी गई है, और स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ चार्जर के ऊपर लिखा गया है। तो कुछ इतना आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी आपके डेटा कॉर्ड, ये है टाइप सी टू यूएसबी 2.0, तो टाइप सी आपको यहाँ पर कॉर्ड मिल रही है, काफ़ी अच्छी बात है, कोई भी ईयरफोन्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। चलिए फ़ोन की सील को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, सारे स्टिकर्स को यहाँ पर हटाते हैं, और ये है हमारा फ़ोन। पहली बारी में आपको हाथ में लेके काफ़ी खूबसूरत लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन पहली बारी में थोड़ा सा आपको बड़ा और भारी फील ज़रूर होगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसके जो एजेस है वो पे मेटालिक कलर करा गया है और काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है। बैक आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है, और उसमें ब्लू कलर का कुछ ग्रेडिएंट सा फील कुछ आ जाता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दी गई है। पीछे से फ़ोन का जो कैमरा बम्प दिया गया है वो काफ़ी कम है, तो वो अच्छी बात है। चलिए फ़ोन को हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है, और अगर आप इसका कवर लगाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी मुश्किल से कवर लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है। और उसके बाद लेकिन ये कवर आप जब लगाएंगे तो आपको फ़ोन का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ब्लैक कलर का फ़ोन लगेगा, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं इसको नहीं इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैंने इसको साइड में रख दिया है। चलिए फ़ोन को यहाँ पर हमने सेटअप कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा खूबसूरत रियलमी एक्स। पीछे की तरफ आपको आपका कैमरा मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर के साथ प्राइमरी लेंस मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। नीचे रियलमी की ब्रांडिंग मिलती है, और नीचे उसके भी नीचे अगर हम देखें तो टाइप सी पोर्ट मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है, 3.5 का ऑडियो जैक मिलता है, और स्पीकर्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है, इसी के साथ साथ आपको राइट साइड में सिम ट्रे भी मिलती है। डुअल सिम ये फ़ोन है, तो आप इसमें दो नैनो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर आपको आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है जो कि पॉपअप होता है, यानी उसमें पॉपअप मोटर लगाई गई है, तो वो आपको मिल जाता है। चलिए पहले आपको यहाँ पर कैमरा ही दिखा देते हैं, तो आप कैमरा एप्लीकेशन को देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिलता है। आप देख सकते हैं फ़ोन में ऊपर कुछ लिखा आ रहा है ग्रीन प्लांट्स या मैक्रो लेंस पे चेंज कर दिया गया है, तो इसमें एआई टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिकली सामने जो चीज़ें हैं जो कि कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं उनको डिटेक्ट कर लेता है और अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस कर देता है। और आपको इसमें एक्सपर्ट मोड यानी प्रो मोड मिलता है, तो वो उससे आपके खुद के हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, वीडियो मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर कैमरा की सेटिंग में जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं फ्रेम रेट दिखाता हूँ क्या है। तो बाय डिफॉल्ट 30 FPS का आपको फ्रेम रेट मिलेगा, लेकिन आप इसको 60 FPS पर भी ले जा सकते हैं। तो कैमरा की सेटिंग में आपको इतना ही कुछ मिलता है। अगर मैं वीडियो में आपको और भी चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पर आप शूट कर सकते हैं 720 पिक्सल की वीडियो,
1080p की वीडियो और आप यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें आपको नाइटस्केप मोड मिलता है, पैनोरामा मोड मिलता है, एक्सपर्ट, टाइम लैप्स और स्लोमो जैसे मोड्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ कैमरा में कुछ और अलग नहीं मिलता है। फ्रंट में आपको इस तरीके का पॉपअप कैमरा मिलता है जो कि काफ़ी जल्दी अंदर बाहर आ जाता है। तो ये है इसका पॉपअप कैमरा, कुछ इस तरीके से काम करता है। हालांकि अभी कॉमन हो गया है, इतना कुछ यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बातें मिलता है। अगर आप इसको फ्री फॉल में ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर नहीं जाता है, जैसे वन प्लस का पॉपअप कैमरा जाता है। तो अगर ये बाहर निकला हुआ गिर गया तो कैमरा टूटने के पूरे पूरे चांसेस है। चलिए फोन को यहाँ पर और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं फ़ोन के बारे में। तो सेटिंग्स में अगर हम जाए तो कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, कुछ नया नहीं है। आपको यहाँ पर फेस अनलॉक मिलेगा और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर अबाउट फोन में जाओ तो यहाँ पर ये फोन चल रहा है एंड्रॉयड 9 पाई पर। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 4GB रैम का वेरिएंट और 6GB रैम का वेरिएंट, जिसमें आप 64GB स्टोरेज रख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको आपकी स्टोरेज और चाहिए तो एक 8GB रैम वाला वेरिएंट आता है जिसमें 128GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। फिलहाल मेरे पास 4GB रैम वाला और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला डिवाइस है और इसकी प्राइसिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल इसमें कुछ नया देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसकी प्राइसिंग है तो वो उसके हिसाब से देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी हद तक प्रीमियम फील करता है। फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, नई नहीं है लेकिन अपनी प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। आप देख सकते हैं दिखने में फ़ोन अच्छा है, इस्तेमाल करने में भी फ़ोन अच्छा है। तो इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये फ़ोन आपको मिल जाता है लगभग 16,999 का। तो इतने से इसकी प्राइसिंग शुरू होती है और होते होते ये 20-21,000 तक चला जाता है। रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मैं हूँ आपसे लोग को सिराशवस, मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में। आपके मन में तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।